राहुल गांधी ने एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया है। राहुल ने एक चार्ट शेयर कर दावा किया है कि पंजाब और हरियाणा के किसान सबसे ज्यादा कमाई करते हैं, जबकि बिहार के किसान की कमाई कम है। राहुल ने लिखा है कि किसान चाहता है कि उसकी आय पंजाब के किसान जितनी हो जाए। मोदी सरकार चाहती है कि देश के सब किसानों की आय बिहार के किसान जितनी हो जाए। वायनाड सांसद ने जो चार्ट शेयर किया है उसमें दावा किया गया है कि पंजाब के किसान सबसे ज्यादा कमाई करते हैं, जबकि बिहार के किसान की सालाना आमदनी सबसे कम है। राहुल ने जो चार्ट शेयर किया है उसमें दावा किया गया है कि एक कृषक परिवार की कमाई का सालाना औसत 77,124 रुपए कमाता है। अगर इसे महीने में बांटे तो यह 6,427 रुपए होता है। दावा किया गया है कि यह मासिक आय महीने के 6,223 रुपए के खर्च की सीमा को बड़ी मुश्किल से पार कर पाता है। ऐसे में किसानों के पास बहुत कम बचत हो पाती है। आपको यह भी बता दें कि बीते दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा था कि आमदनी के लिहाज से बिहार के किसान देश में सभी राज्यों के किसानों में से गरीब हैं। बिहार के किसान की औसत मासिक आमदनी महज 3,398 रुपए है। किसानों की आमदनी की सूची में बिहार का स्थान सबसे नीचे है। इसके मुकाबले पंजाब के किसान 5 गुना ज्यादा से भी ज्यादा कमाते हैं। आमदनी में नीचे से दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है, जहां के किसान महीने में 3,980 रुपए कमा लेते हैं। इसके बाद उत्तराखंड के किसानों की आमदनी 4,701, झारखंड में 4,721 और उत्तर प्रदेश के किसानों की आमदनी 4,923 रुपए है।